3-4 हजार पुलिस वाले भी ना गिरफ्तारी नहीं कर सके। पठानों की एक अच्छी बात और एक बुरी बात जो आपको बुरी लगती है? पठान ईमानदार होते हैं बहुत ज्यादा, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये बुरी होता है। Hey guys, welcome back to our channel. तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पठान वर्सेस पुलिस, और ये बहुत ही सही कंपाइलेशन होने वाला है क्योंकि हम लोगों को पता है जब पुलिस का दिमाग खराब होता है वो लाठी चार्ज तक पर आ जाता है, सही में, चाहे आप फिर सही क्यों ना हो। हमने इंडिया में तो बहुत देख रखा है ऐसे होता है, लेकिन अब देखते हैं कि जब पठान भिड़ गया पुलिस के साथ तो क्या हुआ। और अभी की ना कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड भी हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग ना एक ट्रक ड्राइवर था तो वो बहस कर रहा था किसी पुलिस वाले के साथ, तो वो उसको बोल रहा था कि आप दूसरी साइड से जाइए, लेकिन उसको दूसरी साइड से जाना था, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पुलिस वाला बोल रहा था लेफ्ट से जाओ तो वो चाहता था जाना राइट से, तो ऐसे चाहता था वो। तो फिर उसके बाद पुलिस का इतना दिमाग खराब हुआ, उसने पहले अपना डंडा उठाया और उसके शीशा फाड़ दिया, विंडो फाड़ दी एक साइड की, फिर दूसरी, फिर वो वापस नहीं मान रहा था, फिर वो दूसरी तरफ आया तो दूसरी विंडो फाड़ दिया। तो वो बहुत अलग रहता है कि जब आप पुलिस के साथ भिड़ जाते हो कुछ भी कर लेती है, लेकिन अब इस वीडियो में पता लगेगा जब ये पठान और पुलिस का हुआ जो भी तो क्या हुआ भाई, क्योंकि दोनों ही गर्म बुद्धि के हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओ लाला ये पठान चुप है तो कोई वजह है, जिस दिन बरस जाएगा उस दिन तरस भी नहीं खाएगा। आप इजाजत दें हम पख्तूनों को जिहाद का, अगर इसराइलों ने अपने पैदाइश पर अफसोस नहीं किया तो हम पख्तून नहीं। डीएमपी भी कहती है सिर्फ 32 से 34 लोग, नहीं यहाँ पे सिर्फ 250 पठान था, और उन्होंने तुम्हें बताया कि 250 पठान भी है ना तो तुम्हारे 3-4 हजार पुलिस वाले भी ना गिरफ्तारी नहीं कर सके। पठानों की एक अच्छी बात और एक बुरी बात जो आपको बुरी लगती है? पठान ईमानदार होते हैं बहुत ज्यादा, और उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये बुरी होता है। पठानों में ये होते हैं कि उनके ऑनेस्टी होती है, हार्ड वर्कर बहुत होते हैं, ठीक है, उनके पैशन होते हैं। बुरी बात ये कि वो ना थोड़े ना बोलते हैं, ये डेफिनेटली जैसे उन्होंने बात की कि गुस्से के तेज होते हैं काइंड ऑफ, और चीज़ों को ना बहुत जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आप क्या कहती हैं? दिमाग होता है, अच्छी बात यही है कि हार्ड वर्किंग होते हैं। हम अगर अपने इधर लाहौर में देखें तो छोटे से बड़ा बच्चा देखें कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है, एटलीस्ट उनके अंदर ये होता है कि हमने कमाया। और जो मुझे लोग कहते हैं कि पठान का कद चट्टान की तरह है, उसकी गैरत शेर की तरह है, उसकी नज़र जो है एक चीते की तरह होती है, पठानों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब पंजाबी से अगर उसका पठान का जो है वो मुवाजना किया जाए ना, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पठान जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है, वो मजबूत होता है काफ़ी दूसरे मामलों में। पंजाबी तो मतलब ठीक है, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, लेकिन पठान जो है ना वो जहाँ तक मैं मानता हूँ वो पंजाबी से बहुत हद तक ज़्यादा है। पठान जो है यूं समझ लो इस्लाम की बैकबोन है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो रूहानियत है। जितना आप जो समझ लो कुरान के साथ टच में रहोगे, इस्लाम के साथ टच में रहोगे, तो आप जो आप मजबूत होगे। उनके जज्बे भी आपने देखा होगा, पठानों के जज्बे जो है वो दूसरे लोगों से ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। हर जगह में जहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ पे गैरत की जरूरत होती है, जहाँ पे इस्लाम के लिए जरूरत है, वो सबसे आगे हमें नजर आते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज लास्ट वार में फॉर पाकिस्तान पब्लिक एंड नेशनलिटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वी नीड एंड मुस्लिम उम्मा नीड ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड खान इमरान खान। पठान जिंदाबाद। इन पठानों ने वो जो वफा उनके खून के बारे में कहा जाता है, पठान जज्बाती है लेकिन इसके खून में वफा है। पठान दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक करता है, तो दोस्ती वो निभा गया है, वो दोस्ती निभा गया है, यानी वो हर लेवल पर दोस्ती निभा गया है, और खबर पख्तूनख्वा में खान की हुकूमत बन गई है। जावेद चौधरी कहता है कि पश्तून हाकिम है जबकि पंजाब के लोग महकूम हैं। पठानों को जितना मारोगे वो उतना ही उठेंगे, और पठानों को अगर तुम मारोगे वो अपना बदला 100 साल बाद भी लेंगे। आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने इतने बड़े हिंदुस्तान को बआसानी फतह किया, मगर जब अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए आते उन्हें काफी टफ टाइम मिलता, इसीलिए वह अफगानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं। फिर उन्होंने जब पेशावर और बलूचिस्तान के इलाके अफगानिस्तान से छीनने की कोशिश की, और जीत सिंह और अंग्रेज मिलकर जब पेशावर पर हमलावर हुए, तो पठानों ने मैदान जंग में मरने को फोकिया दिया, बल्कि उनके सामने झुके नहीं, बल्कि वहीं पर मैदान जंग में ही शहीद हो गए। इनकलाब लाना बच्चों का काम नहीं, पख्तूनों का काम।
पठाना मन गया तू वाकई चंद कप्तान है। पहली शाट च वहम शरीकां दा चंगा कढ़िया तू इमरान है। जवे सजन दी अखियां भी तेरी बहुई आला शान है। ठोके रखाने ना डकेटा नू तेरे सिर ते पाकिस्तान। तो पिशावर में हमारी दावत थी, वो बूढ़े पठान थे, बड़ा उन्होंने हमारा इकराम किया, थे भी बड़े मालदार। तो वैसे ही किसी ने मौजू छेड़ दिया दूसरी शादी का, तो हमने भी उन बूढ़े जो पठान थे ना, बुजुर्ग टाइप के, उनसे हमने कहा कि छेड़ने के लिए कि आप भी कर लें, अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है, और थे भी बूढ़े होके भी बड़े फिटफाट थे वो। तो किसी ने कह दिया कि भाई अल्लाह ने इस काम में बड़ी लज्जत रखी है शादियों में, ऐसी बात चल पड़ी ना। किसी ने कहा कि नहीं जी लज्जत जो है वो बकरा खाने में, किसी ने कहा जी मुर्गे फोड़ने में, हर आदमी के अपने मजे हैं। किसी ने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में। वो बुजुर्ग ने बड़ी जबरदस्त बात की, मुझे कहने लगे मौली साहब लज्जत अल्लाह ने सिर्फ दो चीजों में रखी है, लज्जत अल्लाह ने सिर्फ बोलो दो चीजों, एक अपनी राह में लड़ने में और एक रोजा इफ्तार करने में। आदर लाला पठाना दी कदी वीडियो नहीं बनाई, तो पठान कैम है मेरी जान दे टूटिया, पठान अपनी गल ते कैम है, पठान अपनी जात ते कैम है, पठान अपनी जबान ते कैम है, पठान चाहे पाकिस्तान दो सी। हम इमरान खान को वापस लाएंगे, वो हमारा रेबर है, वो हमारा लीडर है, वो हमारी खून में शामिल है, वो हम पश्तों में एक नारा लगाते हैं, कहता हर पख्तून है इमरान हमारा खून है, वो हमारा खून है, हम अपने खून को कभी भी किसी के हवाले नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम अपने इमरान खान को वापस लाएंगे, इस धरती पर वापस लाएंगे, वो हमारा वजीर आजम होगा इंशाल्लाह, उसे वापस वजीर आजम बनाएंगे। अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान को मारा जाए, ये इमरान खान को नहीं मार सकते, जब तक हम पठान जिंदा रहने, वो सच बोलता है, वो कौम के लिए लड़ता है, बाकी ये तो सब बिकारी है, बूट पॉलिश है, चेरी ब्लॉसम है, तो आप जानते हैं यार ये बाकी सब चेरी ब्लॉसम है। वो जो नवाज शरीफ है, जब इमरान खान को जेल में डाल दिया तब आया चोर का बेटा, कभी जब पाकिस्तान में इमरान खान रिहा था तब आ सकता था, कमीना डरता है इमरान खान से, डरता है इमरान खान से उसकी इतनी पेट देखी है, वो जो इतनी पेट में पाकिस्तान डाला है उसने, वो क्या हमें खाक सुनाए। पठान ये नहीं करता, पठान अमीर आदमी होता है लेकिन कपड़े पुराने होते हैं, गुजारा, वो दुनिया को दुनिया ही समझता है, वो दुनिया को सियासी। अब तो दो तीन सियासी जमातें हैं, तो अब किसकी तरफ है बोल, नहीं कोई बात नहीं, मैं पठान की तरफ। वाओ क्या कमाल की वीडियो थी, और जो लास्ट में उस बच्चे ने लतारा है ना भाई, सही में चेरी ब्लूसम है तू तो बेवकूफ, तेरा पेट में ऐसे लग रहा अंडा बैठ के, मतलब अंडा दबा के बैठे हो, बहुत चोर का बेटा है तू, बहुत ज्यादा हिलीरियस था। और सोचो इतने छोटे से बच्चे में, मतलब इतना टॉर्चर कर दिया है पाकिस्तानी लोगों को, कि वो तो छोटा सा बच्चा इतना खिलाफ बोल रहा है, वरना इंडिया में तो पता ही नहीं है भैया, बहुत रेयर बच्चे जिनको पॉलिटिक्स के बारे में पता है, क्योंकि अभी टच फुट चीजें अच्छी चल रही है इंडिया में इसीलिए, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि इतना नहीं चल रहा है तो इसी वजह से वो हो रहा है। बाकी यार अलग ही है भाई पठान, जिस हिसाब से वो पुलिस के साथ लड़ लिए भिड़ लिए भाई, डर ही नहीं है किसी चीज का, तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस यही था।
हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए। बाय।